जब जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भगत सिंह और राजगुरु को खोज रहे थे, तब एक क्रांतिकारी महिला ने छद्म रूप से भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचाया था। उनका नाम था दुर्गावती वोहरा। क्या थी वो घटना और क्यों याद किया जाना चाहिए दुर्गावती वोहरा को, जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। दुर्गावती वोहरा भारत की वो अग्नि थी जिन्होंने भारत के क्रांतिकारी इतिहास को बल दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकी। 7 अक्टूबर 1907 को पैदा हुई थी। पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में काम करते थे और दादा पुलिस अधिकारी थे। 10 या 11 साल की उम्र में ही गुजरात के अमीर शख्स शिवचरण दास वोहरा के बेटे भगवती चरण वोहरा से उनका विवाह हो गया। शिवचरण दास वोहरा को अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि दी हुई थी, लेकिन भगवती चरण वोहरा को ये पसंद नहीं था। वो अक्सर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से मिलते रहते थे। साल 1926 में जब नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई तो उसका मैनिफेस्टो भगवती चरण वोहरा ने ही तैयार किया था। आप उन्हें फिलोसफी ऑफ बम कृति की वजह से भी जानते होंगे, तो इन्हीं की पत्नी थी दुर्गावती वोहरा। लेकिन इनका परिचय किसी की पत्नी होना नहीं है, इनका परिचय इनका सक्रिय नेतृत्व है। साइमन कमीशन के विरोध के लिए महिलाओं का नेतृत्व दुर्गावती वोहरा ने ही किया था। यहां तक कि जब 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के लिए लाहौर में बैठक बुलाई गई थी तो उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। क्रांतिकारी उन्हें भाभी बुलाते थे, इसलिए वो दुर्गावती वोहरा से ज्यादा दुर्गावती भाभी के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवती चरण वोहरा ने उन्हें बंदूक चलाना सिखाया था, यहां तक कि वो बम बनाना भी जानती थी। 17 दिसंबर 1928 को जब जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई, तब भगवती चरण वोहरा कलकत्ता में थे। कलकत्ता जाने से पहले उन्होंने दुर्गावती वोहरा को कुछ पैसे दिए थे खर्चे के लिए। इनका जिक्र अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं 3,000 तो कहीं 5,000। उस समय दुर्गावती वोहरा और भगवती चरण वोहरा का बेटा 3 साल का था। लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद जैसे तैसे राजगुरु एक नौजवान के साथ दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई थी। तब राजगुरु ने उन्हें बताया कि ये भगत सिंह है। दरअसल अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी थी और सिर पर अंग्रेजी हैट पहन ली थी। दुर्गा भाभी अब समझ गई थी कि पूरा माजरा क्या है। अब उस योजना पर विचार हुआ जिसके तहत भगत सिंह को लाहौर से बचाकर निकालना था। तय हुआ कि दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनेंगी और राजगुरु नौकर। इस तरह ट्रेन की 3 टिकट कटवाकर शहर से बाहर निकला जाएगा। 20 दिसंबर 1928 की सुबह उन्होंने लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठे और नौकर बने राजगुरु तीसरे दर्जे में। दूसरी तरफ अंग्रेज एक पगड़ीधारी सिख को ढूंढ रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी सूट बूट और हैट में बैठा एक आदमी जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था, उन पर किसी को शक नहीं हुआ। उन्होंने रास्ते में 2 ट्रेनें बदली क्योंकि लाहौर से कलकत्ता पहुंचने वाली सीधी ट्रेनों की जांच की जा रही थी, इसलिए वो रास्ते में 2 ट्रेन बदलकर कलकत्ता पहुंच गए। इस तरह दुर्गावती भाभी ने भगत सिंह की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि जो पैसे खर्च के लिए भगवती चरण बोहरा ने उन्हें दिए थे, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों की मदद के लिए दुर्गा भाभी ने लगा दिए। कहते हैं भगत सिंह और राजगुरु के बचाव के लिए उनके ट्रायल में लगने वाले खर्च में दुर्गावती भाभी ने गहने तक बेच दिए थे। जुलाई 1929 में उन्होंने भगत सिंह की तस्वीर के साथ लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व किया था और उनकी रिहाई की मांग की थी। जब 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले जतेंद्र नाथ दास जेल में शहीद हो गए थे, तो दुर्गा भाभी ने ही लाहौर में उनका अंतिम संस्कार करवाया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने की घोषणा हुई थी, तो अगले ही दिन 8 अक्टूबर 1930 को
दुर्गावती वोहरा ने दक्षिणी बॉम्बे के लैमिंगटन रोड पर पुलिस स्टेशन के नजदीक खड़े एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी पर गोलियों से हमला कर दिया। यह पहली बार था जब किसी महिला को इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। इसके अलावा भी उन्होंने अधिकारियों पर विरोध के तौर पर कई बार गोलियां चलाई थी। तब के एक पुलिस अधिकारी एसटी हॉलिंस ने अपनी पुस्तक नो 10 कमांडेंट्स में लिखा है कि दुर्गावती वोहरा उस समय सरकार के भीतर भय का कारण बन गई थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी था। साल 1932 में दुर्गावती वोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की जेल हो गई। 1935 में जब वो जेल से बाहर आई तो उनके साथी क्रांतिकारी या तो मार दिए गए थे या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दुर्गा भाभी अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो गाजियाबाद चली गई और एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बाद में गरीब बच्चों के लिए उन्होंने लखनऊ में एक स्कूल की स्थापना भी की। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू भी उस विद्यालय को देखने गए थे। 15 अक्टूबर 1999 को जब दुर्गावती वोहरा यानी दुर्गा भाभी का देहांत हुआ तो उनकी विदाई किसी क्रांतिकारी के चले जाने की तरह नहीं हुई थी, बल्कि उनका जाना एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। भारत की स्वतंत्रता में ऐसे कई जननायक और जननायिकाएं हैं जिन्हें कभी कभार ही सही लेकिन याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता किसी एक की वजह से नहीं बहुतों की वजह से आई है। अब आज का सवाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी भी कहते हैं, उसकी स्थापना कब और कहां हुई थी और किसने की थी? यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को कब स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापना हुई थी और कौन कौन लोग शामिल थे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।